आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं इस देश के वन ऑफ द फाइनेस्ट डीजे वीजे निखिल चिनप्पा से, जो कि आए हैं चंडीगढ़ में ब्लू ब्लेजर में परफॉर्म करने। वेलकम टू डे एंड नाइट न्यूज। थैंक यू वेरी मच। अच्छा, सबसे पहले जानना चाहता हूँ ये डीजे और वीजे, ये जो दो अलग अलग रोल्स है, कितना डिफरेंस है इनमें? काफ़ी डिफरेंस है। वीजेइंग के लिए तो सिर्फ बात करना पड़ता है, बोलना पड़ता है, और डीजेइंग के लिए म्यूज़िक की नॉलेज, म्यूज़िक का नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और यू ऑल्सो नीड टू प्ले म्यूज़िक, कंप्लीटली डिफरेंट। तो अगर हम डीजेइंग की बात करें तो यहाँ पे जो इस एरिया में जो आपका इंटरेस्ट है वो कैसे डेवलप हुआ? डीजेइंग क्या कि डीजेइंग का? डीजेइंग का वेल माई वाइफ पर्ल वॉज माई गर्लफ्रेंड देन, शी वॉज अ डीजे, तो उन्होंने मुझे सिखाया कि इक्विपमेंट को कैसे यूज़ करते हैं, डीजे कैसे करते हैं। मगर उससे पहले मैं नाइट क्लब्स और डिस्कोज में बहुत इंटरेस्ट रखा करता था, सो आई टू गो टू अ लॉट ऑफ क्लब्स, पार्टिंग, लिसनिंग टू डीजे, सो द इंटरेस्ट केम फ्रॉम द डांस फ्लोर, वहाँ से शुरू हुआ, एंड देन इट केम बिहाइंड द कंसोल आफ्टर दैट। अच्छा, ये तो हमने जाना कि आपका डीजे में आना कैसे हुआ, ये बताइए कि आर्किटेक्चर्स, आर्किटेक्ट बनने वाले थे तो वहाँ से वीजे में आना कैसा हुआ? सिंपल सी बात है यार, आई आस्क माई सेल्फ अ क्वेश्चन, वेर यू गोना हैव मोर फन, एंड टर्न्स आउट आई वाज राइट, एमटीवी। ओके, तो अगर हम आजकल टेलीविजन की बात करें, जो टेलीविजन के स्केड्यूल्स है काफ़ी हेक्टिक हो चुके हैं, और इसका जो मीडियम है वो बड़ा हो चुका है मगर बहुत हेक्टिक हो चुका है, तो आर यू ऑल्सो सफरिंग विद दिस थिंग दैट हेक्टिक स्केड्यूल्स एंड ऑल? Hectic schedules, yes, but MTV के कारण नहीं, more because of my DJing patterns and my music programs and projects. Sleep for me is a bit of an option. मैं ज़्यादातर flights पे सोता हूँ, cars में सोता हूँ, रात को बिस्तर पे कम सोता हूँ मैं। अच्छा, तो आज तक आपने जहाँ जहाँ play किया है, perform किया है, तो which is the best place you find के बहुत interesting है? बैंगलोर इज़ ऑलवेज बीन अ पर्टिकुलर फेवरेट ऑफ माइन, उसके अलावा मणिपाल, वो मेरा होम टाउन है। जी हाँ, मणिपाल में जो भी म्यूज़िक प्रोग्राम्स कंडक्ट किए जाते हैं बिकॉज ऑफ द कॉलेज कम्युनिटी, वो बहुत सक्सेसफुल होते हैं और वहाँ पे बहुत जोश होता है, और द ऑल टाइम फेवरेट इज़ ऑलवेज गोइंग टू बी गोवा। ओके, आप यानी कॉलेजेस में काफ़ी प्ले करने जाते हैं, तो जाहिर सी बात है बहुत सारी लड़कियाँ होती होंगी, तो कोई एक ऐसा झक्कास मस्त कॉम्प्लीमेंट आपको मिला जो आपको आज तक याद हो? एक कॉम्प्लीमेंट है जो कॉलेज से नहीं आता है, जब मैंने MTV सिलेक्ट एक शो शुरू किया था जो 11 साल के लिए MTV पे चला था, उस टाइम पे बहुत सारे लोग दोपहर में आते थे घर खाना खाने के लिए, और उस टाइम पे TV ऑन करते थे और वो शो उस टाइम पे चलता था, तो मैं बेंगलोर में था और एक लड़का मेरे पास आया जो अकेले एक टाउनशिप में किया करता था, टाउनशिप का नाम मुझे याद नहीं है, मगर वो फैक्ट्री जाता था, फैक्ट्री से वापस घर आता था, उसके कुछ दोस्त वहाँ पे नहीं थे, वो अकेला काम करता था, और वो दोपहर को ये प्रोग्राम देखा करता था, एंड ही सेड द नाइसेस्ट थिंग टू मी व्हेन आफ्टर वी हैड अ कॉन्वर्सेशन, जब वो हम एक दूसरे को टाटा बाय बाय कह रहे थे, ही सेड निखिल यू नो व्हाट, यू मेक अ लॉट ऑफ लोनली पीपल हैप्पी, That was a very nice thing that was said, and I'll always remember that. जी, बिल्कुल सही बात कही है उन्होंने। अच्छा, आप चंडीगढ़ आए हैं, इससे पहले अपने शोज को प्रमोट करने भी चंडीगढ़ आप आते रहे हैं, तो चंडीगढ़ घूमने फिरने का मौका मिला आपको? कभी नहीं यार, कभी नहीं मिला। नहीं, एक दिन के लिए आता हूँ फिर निकल जाता हूँ। ठीक है, और जैसे कि आपसे जाना कि सबसे अच्छी जगह कौन सी थी जिसमें आपने प्ले किया, आपको बहुत मजा आता है बैंगलोर, तो कोई ऐसी जगह है जहाँ पर बहुत आप बोरियत महसूस करते हैं, बहुत बोर, बहुत डल प्लेस हो, कभी ऐसे एक्सपीरियंस? ऐसा तो कभी होता ही नहीं है, बिकॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट इन एनी इवेंट इज़ द म्यूज़िक, और अगर मेरे सामने कोई भी खड़ा नहीं हो, कोई भी नाच रहा नहीं हो, तो म्यूज़िक विल स्टिल बी देयर, सो इट वर्क्स। और फिल्मों में आप और काम करना चाहते हैं, आर यू कीन इंटरेस्टेड इन वर्किंग इन फिल्म्स? नो, आई एम नॉट अ फिल्मी गाय यार। अच्छा, फिल्म तो देखते होंगे आप? बहुत कम। अच्छा, रिसेंटली आपने आखिरी बार कौन सी फिल्म देखी? रिसेंटली मैं अपने दोस्तों के साथ गया था सुपरमैन देखने के लिए। अच्छा, और जो लोग डीजेइंग में आना चाहते हैं, तो व्हाट इज़ द मैसेज यू वांट टू गिव देम? दे हैव टू स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम इन द ब्लू ब्लेजर, लिसनिंग टू म्यूजिक बिफोर यू एक्चुअली स्टार्ट डीजेइंग, यू नीड म्यूजिकल नॉलेज, एंड दैट विल ओनली कम व्हेन यू स्टैंड इन अ क्लब एंड यू लिसन टू आवर्स एंड आवर्स एंड आवर्स ऑफ म्यूजिक। वो जो एक्सपीरियंस होती है जो रेजिडेंट डीजेस के पास होता है, जो नाइट क्लब्स में काम करते हैं उनके पास होता है, वो आप सीख नहीं सकते हो। यू कैन ओनली अक्वायर दैट नॉलेज एंड दैट इन्फॉर्मेशन, एंड द ओनली वे यू कैन डू दैट इन चंडीगढ़, स्पेंड टाइम हियर एट द ब्लू ब्लेजर। थैंक यू सो मच फॉर टॉकिंग टू अस। थैंक यू, वेलकम। तो ये थे हमारे साथ निखिल, जो कि वाकई में ही लोनली लोगों को काफ़ी खुश करते हैं, और उन्होंने ये भी बताया कि अगर आपको एक अच्छा डीजेइंग बनना है तो आपको क्या क्या करना चाहिए। तो इंतज़ार किस बात का, आप भी अपनी किस्मत आजमाइए। कैमरामैन अमन गुप्ता के साथ जयदीप मित्रा, डे एंड नाइट न्यूज़, चंडीगढ़। खबरों की दुनिया में आइए हमारे साथ, कहीं भी और कभी भी जुड़िए।
हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। खबरों के साथ बने रहिए रात दिन।